मारता है, उसकी इज्जत नहीं करता है, तो लगता है इसका तो गला ही दबा। मैं बेटियों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि बेटा खूब पढ़ो लिखो, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचो, लेकिन अपने से बड़े और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका दिल ना दुखाएं। जब मेरे हाथ से किसी का भला हो जाता है और मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि हम शिक्षित हैं आज परिवार की वजह से। शिक्षा हमें परिवार को बेहतर और बेहतर बनाना सिखाती है, उसको तोड़ना नहीं सिखाती है। एक दिन की मुख्यमंत्री बन गई तो सबसे पहले मैं किसानों के लिए सोचूंगी, क्योंकि वही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। कुछ रैपिड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मतलब फटाफट आपको उसका आंसर देना है। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मुझे सच बोलूं तो जब ये गुस्सा आता है कि कोई बच्चे अपने मदर फादर की इज्जत नहीं करते हैं और उन्हें सब कुछ होने के बाद भी उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। और यदि कोई पति अपनी पत्नी को मारता है, उसकी इज्जत नहीं करता है, तो लगता है इसका तो गला ही दबा। मतलब पत्नी की भी घर में इज्जत करो ना, वो आपके आश्रित है। आप कोई बात उसको डांट के कह सकते हो, मैं बोलती हूँ ज्यादा गुस्सा आया तो आप गाली दे दो, लेकिन आप जानवरों की तरह पीटना कहाँ करने आए हैं। आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? मुझे जब मेरे हाथ से किसी का भला हो जाता है और मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। सोचती हूँ मैं नहीं कर पाऊंगी और मैं कर लेती हूँ ना उस काम को, और कोई केस आता है उसको मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, आपको जीवन सफल हो गया। सबसे अच्छा खाना कौन सा लगता है? मुझे अपना देसी खाना, यूपी का, दाल चावल सब्जी रोटी। तो ज़्यादा खाने की शौकीन नहीं हूँ मैं। आपको घूमना, सब कहाँ आपको घूमना पसंद आता है? मुझे पहाड़ों पर, झरनों, नदियाँ, हरियाली देखना, और गांव, कभी कभी कोई गांव चली जाती हूँ ना जहाँ इस तरह का माहौल होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं उन्नाव वगैरह गई थी तो बहुत घूमी, तो मुझे प्राकृतिक चीज़ें देखना बहुत पसंद है। अच्छा, परिवार आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट लगता है? देखो तो परिवार है तो हाँ, मैं सबसे बड़ी बात है, परिवार से मनुष्य के जीवन की नींव पड़ती है। परिवार नहीं है और हम कितने ही बड़े बन जाएं तो कोई मतलब नहीं है, तो परिवार ही सब कुछ है। अगर एक दिन का मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? यदि मैं एक दिन की मुख्यमंत्री बन गई तो सबसे पहले मैं किसानों के लिए सोचूंगी, क्योंकि वही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो वो मजबूत होएगा तो देश मजबूत होएगा, और मजदूर खुश होंगे तो देश, पूरे देश में खुशहाली आएगी। तो यदि सबके चेहरे पे खुशहाली चाहिए तो हमें निचले तबके को खुश करना पड़ेगा, तभी हम देश के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ सकते हैं। अगर आपके सामने अचानक भगवान आ जाए और पूछें कि अलका पांडे जी बोलो आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगी? भगवान मेरे सामने आ जाए तो इस समय, इस वक्त तो मैं यही कहूंगी कि भगवान पूरे विश्व को कोरोना से आजाद कर दे, और जैसे हम लोग पहले रहते थे ये लॉकडाउन छोड़ के, उसी तरह से रहने दे। अलका पांडे अपने आप को किस रूप में देखना चाहती हैं जब इस दुनिया में ना रहे? बस मैं चाहूंगी कि एक अच्छे इंसान के रूप में लोग याद रखें, कि एक अच्छे इंसान थी। हम जाते थे तो मिलके हंस के मिलती थी, हमें कुछ हम कहते थे तो हमें सहयोग कर देते थे। बस एक अच्छे इंसान के रूप में जानी जाऊं, बस इतनी चाहते मेरी। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।